ये कुछ एक जर्नल एक्सेसरीज होती हैं जो अपन इसके साथ में आपको मिलती हैं, जो अपन को बेसिक यूज़ के लिए एक्सिंग के अंदर अगर आपके पास है तो ये एक्सेसरीज आपके पास होनी मतलब ज़रूरी हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप अगर इनको यूज़ में लेते हैं, जैसे जर्नल ये यूजेज के लिए अपने आती हैं एक्सेसरीज, तो आपको मैं तो यही रिफर करूँगा कि आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, गजब टेक्निकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एक्सिन कैमरा के लिए एक बस्टेड किट कौन सी अपने लिए, उस एक्सिन कैमरा की इस किट को मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर एक्सिन कैमरा से रिलेटेड आपको कुछ माउंट्स वगैरह मिलेंगे। तो देखिए, ये अपन को एक कैरी केस मिलता है एक अच्छी कंडीशन में, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी आती है, पर इसमें अपने केस वगैरह से रिलेटेड एक्शन कैमरा को कहीं पे भी इसमें फिक्स करके उसके साथ कुछ एक्सेसरीज को अपन कैरी कर सकते हैं। और ये अपन को इस केस के अंदर ये अपन को एक्सेसरीज साथ में मिलती है, ये एक पॉली बैग होता है जिसके अंदर कुछ अपन छोटी एक्सेसरीज को डाल के यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन इसकी जो जो एक्सेसरीज आती है उनको वन बाय वन करके अपन उनको देखते हैं। ये एक सेल्फी स्टिक आती है, फुली मेटल की बनी होती है, स्ट्रांग होती है, हार्ड अच्छे मेटल की ये अपन को मिल जाती है। ठीक है, ये सेल्फी स्टिक अपन को इसके साथ में मिलती है, जिसपे अपन यहाँ पे कैमरे को माउंट करके उसको अपन यूज़ ले सकते हैं। ये कैमरे को माउंट करने के लिए है यहाँ पे, और इसको जैसे चाहे अपन मूव कर सकते हैं यहाँ से आड़े टेढ़े। ये देखिए, मेरे पास एक एक्शन कैमरा है, मैं इसको यहाँ पे इसको फिक्स करके बताता हूँ। अगर अपन कोई माउंट करने वाली उससे अपन इसे माउंट कर सकते हैं, पर मैं अभी एक बार आपको चेक करके इसे में बता रहा हूँ कैसे आप इसको माउंट कर सकते हैं, इसको जैसे चाहे वैसे इसे मूव करवा सकते हैं। इमेजेस वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं, ऐसे में इसको स्टिक को खोल के इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं, एक अपन को ये फ्लोटर मिलता है सेल्फी स्टिक के बाद में, ये फ्लोटर आता है कैरी केस के अंदर, ये फ्लोटर। ठीक है, यहाँ पे अपन किसी एक्स्ट्रा केस को अटैच करके इस फ्लोटर को यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ में अपन को कुछ एक्सटर्नल आते हैं, उनको अपन इसके अंदर डाल के अच्छे से, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इस फ्लोटर का यूज़ अपन इसके साथ में ये अपन को स्टिक भी मिलता है, ठीक है, रिबन भी मिलता है, इसको अपन इसमें डाल के फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन इसको पिन करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे अपन यहाँ पे कैसे भी करके इसको अटैच कर सकते हैं। अगर दूसरा अपन माउंट इसके लिए काम में लें तो ये माउंट अपन यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, फिर अपन उसमें अदर माउंट लगा के उसको कैमरे को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लोटर कैमरे को पानी वगैरह में ले जाने के लिए काम में आता है, इसमें अपन ये हैंड फ्लोटर आता है जिसमें अपन यहाँ पे इस रिबन को डाल के हाथ में और इसको इसके अंदर पिन करके ये एक स्टिच आता है, इसको यहाँ पे इसके अंदर डल जाता है, फिर कैमरे को यहाँ पे ये बन जाता है इसके अंदर, फिर ये पानी वगैरह में जैसे गिरने का चांसेस कम रहते हैं, ये इसके अंदर डल जाता है, इसके अंदर स्टिच है ये इसके अंदर डल जाता है, इसके बाद में कैमरा अपना अटैच हो जाता है, जिसमें अपन पानी के अंदर अगर कभी भी जा रहे हैं तो ये गिरने का चांसेस कम होता है। ठीक है, इस फ्लोटर का यही यूजेज है, और इस पर अपन अपने कैमरे को माउंट कर सकते हैं, फिर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं, एक अपन को क्लिप मिलती है, ठीक है, जिसके द्वारा अपन अपने कैमरे को इसे माउंट करके कहीं पे भी बैग या कैप पे कहीं पे भी इसको अपन पिन कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्लिप अपन को मिलती है इसके साथ में। बिल्ड क्वालिटी सभी एक्सेसरीज की अच्छी है, इनमें जो भी अपनको आइटम्स मिलते हैं सारे एक्शन कैमरा के, उनकी सभी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है अपन को। बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बस्टेड अगर आप देखना चाह रहे हैं एक्सेसरीज, तो ये आपको एक्सेसरीज मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ एक माउंट है इसके साथ में आते हैं, कुछ एक आते हैं जो अपन इसके साथ में अपन को मिलते हैं। ये माउंट करने के लिए कैमरे को अलग अलग तरीके से काम में आते हैं जो अपन यूज में लेते हैं। ये एक अपना हेड माउंट आ गया, इसको अपन हेड पे पहन के कैमरे को यहाँ पे पिन कर सकते हैं।
ठीक है, और अंदर इसके अंदर एक सिलिकॉन रबर का कुछ आता है जो अपन को कंफर्ट फील करवाता है, गिरने वरने के चांसेस वगैरह वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसको अपन को हेड पे माउंट करके, और ये भी अच्छी क्वालिटी का अच्छा रिपन इसमें काम में लिया गया, रबर काम में लिया गया। और अंदर की साइड आप देखेंगे तो अंदर की साइड कुछ एक सिलिकॉन टाइप से कुछ आता है जो अपन को इसमें अच्छी पकड़ अपन को प्रोवाइड करवाता है, गिरने वगैरह के चांसेस कम रहते हैं और कम्फर्ट फील करवाता है। ठीक है, ये हेड माउंट हो गया। हेड माउंट के बाद में सामने ये कार सिलेक्शन कप माउंट आता है। ये कार सिलेक्शन कप माउंट कार पे पिन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, बेसिकली अपन इस पे कैमरे को माउंट करते हैं। ठीक है, कैमरे को जैसे चाहे वैसे माउंट कर लेंगे इस पे। ये अपने कैमरे को माउंट कर लिए इस पे, फिर अपन इसको कार पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कार पे अपन किसी भी सरफेस पे इसको पिन करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये देखिए, ये सरफेस पे ये अपना एडजस्टेबल हो गया। अब मैं इसको जैसे चाहे वैसे इसको फिक्स कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कैसे भी, वो डिपेंड करता है कि मैं कैसे इसको फिक्स कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इस पे इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये किसी जितने सरफेस पे इसको अच्छे से अपन यूज में ले सकते हैं, लगा सकते हैं, जितने सरफेस पे इसको फिक्स करने के लिए। ये माउंट अपन को कार हो गई या कोई भी ऐसे जितना सरफेस हो गया सिलेक्शन का माउंट अपन को काम में आता है। ये देखिए, मैंने ऐसे इसको माउंट कर दिया। मैं नीचे जाके भी इसको माउंट कर सकता हूँ। ये रोटेट 360 डिग्री रोटेट अपन को मिल जाता है, तो कहीं पे भी इसको माउंट करके सरफेस पे इसको माउंट करके अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने सामने आता है ये एक साइकिल के लिए माउंट आता है। तो अपन इसको यूज करके साइकिल या बाइक वगैरह के किसी जैसे हैंडल आता है तो वहाँ पे इसको अच्छे से माउंट कर सकते हैं। तो मैं इसे अनपिन करता हूँ। ठीक है, करने के बाद में तो इसे यूज़ करके उसके अंदर डाल के इसको कैमरे को अपने को माउंट कर सकते हैं, वहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं। माउंट करने के लिए अपने स्क्रू मिल जाता है, इसको टाइट करके फिर अपने वहाँ से इसको माउंट कर सकते हैं। जितनी अपन को जिस साइज में अपन को ये चाहिए माउंट, उस साइज में अपन इसको टाइट करके देखिए, ये मतलब कम्फर्ट है, कम्फर्ट में कोई इश्यू नहीं इसका। यहाँ पे अपन कैमरा अपना माउंट हो जाएगा, उसके बाद में अपन इसको यूज कर सकते हैं। ये हैंड माउंट अपन को मिल जाता है उसके साथ में। ये कुछ एक जनरल एसेसरीज होती हैं जो अपन इसको इसके साथ में अपन को मिलती हैं, जो अपन को बेसिक यूज के लिए एक्सिम कैमरा अगर आपके पास है तो ये एसेसरीज आपके पास होनी मतलब जरूरी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप अगर इनको यूज में लेते हैं, जैसे जनरल ये यूजेस के लिए अपने आती हैं एक्सेसरीज, तो आपको मैं तो यही रिप्लाई करूँगा कि आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। नेक्स्ट अपन माउंट की बात करते हैं, ट्राइपॉड माउंट आता है, छोटा ट्राइपॉड आता है। इसमें अपन अपने एक्शन कैमरे को इन करके यहाँ पे अपन इसको स्टेबल, अगर कोई वीडियो बनाना है अपन को थोड़ा ऊपर नीचे जैसे भी करके अपन को स्टेबल वीडियो बनाना, तो यहाँ पे एक कैमरे को माउंट करेंगे। मैं माउंट करने के बाद में अपन इस ट्राइपॉड पे एक मिनी ट्राइपॉड होता है, हैंड में भी अपन इसे काम में ले सकते हैं, हाथ में भी, और नेक्स्ट वैसे भी अपन इस ट्राइपॉड को काम में ले सकते हैं। तो अपने एक्शन कैमरा को यहाँ पे माउंट करके फिर इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये मिनी ट्राइपॉड अपन को साथ में मिल रहा है इस किट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक लास्ट जो अपना बचा हुआ है वो अपना है ये चेस्ट बैंड। अपन को मिलता है चेस्ट बैंड के अंदर क्या होता है, अपन को जैसे ये हाथ की तरह अपना चेस्ट हम हाथ में पहन के हाथ से पहन के इसको चेस्ट पे वेयर किया जाता है। ठीक है, अपन ये अपने शोल्डर्स पे आ जाता है, ये अपने शोल्डर पे आ जाता है। ठीक है, ये तो ये अपन इसको पहन के यहाँ पे चेस्ट पे माउंट कर सकते हैं, यहाँ से खोल के। ठीक है, माउंट करके यहाँ पे अपन कैमरे को माउंट करेंगे, यहाँ पे कैमरा लगेगा। तो चेस्ट पे जैसे अपन कहीं माउंटेन पे जा रहे हैं कहीं पे, जैसे हेड और चेस्ट वाला सिमिलर सा आता है, इसको अपन जैसे माउंटेन पे जा रहे हैं कहीं पे भी, अपन ट्यूर पे जा रहे हैं कहीं पे भी, तो यहाँ पे इसको माउंट करके फिक्स अपन कर सकते हैं, जिससे अपन मतलब हाथ अपने बुक नहीं होते, अपन कैसे भी अपने एक्शन कैमरा को यूज में ले सकते हैं कहीं पे भी जाते हुए। ठीक है, ये अपन को एक चेस्ट माउंट वो मिल रहा है, माउंट मिल रहा है। ठीक है, ये हो गई, ये एक्सेसरीज सारी अपन को इसके अंदर मिल जाती है, और साथ में एक कैरी केस मिलता है।
जो कि एक्सेसरीज के साथ में ही आता है, एक बजटेड प्राइस में अपन को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे अपन इन इसके ये फॉर्म्स वगैरह इनको निकाल के अपन यहाँ पे अपनी जो भी एक्सेसरीज है जो भी यहाँ पे फिट हो रही है उनके हम फिट कर सकते हैं, उसके बाद में अपन इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये एक बेस्ट बजटेड एक्सेसरीज अपन को एक्सेल कैमरा की मिल जाती है। अगर आपको ये एक्सेसरीज बाय करनी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और ये सारी एक्सेसरीज और विद कैरी केस के साथ में आपको एक बजटेड प्राइस में जो मार्केट में अवेलेबल है उससे सस्ती रेट में आपको ये एक्सेसरीज मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। तो बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही मोर अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। With the bells.